देखिए कितना दानेदार रसीला सूजी का हलवा बनकर तैयार हुआ है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है ये सूजी का हलवा। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जन्माष्टमी आ रही है, कान्हा जी के भोग के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, सूजी का हलवा भी बनाया जाता है। कुछ मीठा खाने का मन हो तब भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए देखिए, गैस पर हमने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के शुद्ध देसी घी। हलवा कोई भी हो, शुद्ध देसी घी में ही अच्छा लगता है। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए घी थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने 1 कटोरी से थोड़ा कम सूजी लिया है, इसे डाल लेते हैं। और सूजी को हमें भूनना है, लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे जब तक कि सूजी का कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। तब तक भुनेंगे जब तक इससे अच्छे से खुशबू ना आने लगे, तब तक भुनना है हमें इसे। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं हलवा के लिए, लेकिन अगर मोटी सूजी है, दरदरी सूजी है तो ज़्यादा अच्छी है, एकदम दानेदार हलवा बनकर तैयार होता है। तो बहुत ही मेन प्रोसेस है कि आप इसे किस तरह से भूनते हैं। आप जितना अच्छा इसे भूनेंगे हलवा उतना ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। इस तरह से भूनिए कि पड़ोसियों को भी पता चल जाए कि आप हलवा बना रहे हैं। लो फ्लेम पर थोड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ भूनिए इस तरह से चलाते हुए। देखिए लगातार चलाते हुए हमने सूजी को भून लिया है, लगभग 8 से 10 मिनट लगे हैं लो फ्लेम पर इसे भूनते हुए। सूजी अच्छी तरह से भून चुकी है, आप इसका कलर देखिए, कलर भी इसका चेंज हो चुका है, बिल्कुल डार्क हो गया इसका कलर। बहुत अच्छी तरह से इससे खुशबू भी आ रही है, अच्छी तरह से सूजी भून चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है उस कटोरी से हमें 3 कटोरी पानी डालना है। ये हमने 3 कटोरी इसमें पानी डाल दिया, मिला लेते हैं। और अब इसे पकाना है हमें, जब तक कि सूजी पूरा पानी अब्जॉर्ब ना कर ले, पूरा पानी सोख ना ले, तब तक इसे पकाएंगे। इस तरह से चलाते हुए पकाना है, बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी। तो इस तरह से चलाते हुए अब इसे पकने देते हैं। देखिए सूजी थिक हो गई है, जमने लगी है ये। अच्छी तरह से पकने के बाद सूजी इस तरह से गाढ़ी हो गई है, तो इस तरह से चलाते हुए इसे पकाना है। देखिए इस तरह से हो गई है ये सूजी, अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। देखिए हमने चीनी लिया है, जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हमने चीनी लिया है, जितनी मात्रा में सूजी ली थी उसी मात्रा में हमने चीनी लिया है। साथ में डालेंगे इलायची पाउडर, मिला लेते हैं इसे। और अब 1 मिनट के लिए और पकाना है, चीनी डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे इसे। चीनी डालने के बाद ये फिर से थोड़ा गीला होने लगा है, तो इस तरह से मिलाते हुए पका लेते हैं इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर ही पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सारी प्रोसेस में हमें हलवा बनाने की पूरी प्रोसेस में गैस का फ्लेम लो ही रखना है। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या फिर कम मीठा खाते हैं तो कम कर सकते हैं। बस थोड़ी देर और पका लेना है इसे। अब देखिए चीनी डालने के बाद हमने इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए पका लिया। ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए अब कितना दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है, एकदम दानेदार हलवा बना है ये। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे, ये हमने काजू और बादाम को इस तरह से दरदरा कर लिया है, इसे डाल लेते हैं। मिला लेंगे इसे। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहे अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही रसीला दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।